So today we'll be discussing about elastomeric bearings. So starting with the bearing actually mein hota kya hai? It is the interface between two major components of bridge structure, that is superstructure and substructure. जो आपकी bearing होती है, bearing आपको जैसे नाम से पता चल रहा है कि मतलब किसी चीज को tolerate करने की जो capacity होती है, that is known as your bearing capacity. ठीक है, तो जो आपकी bearings होती है ये क्या होती है, हम एक cushion सा provide कर देते हैं दो components के बीच में, that is superstructure. Superstructure जो आपका ब्रिज का अपर मोस्ट पार्ट आ गया और सबस्ट्रक्चर हो गया आपकी जो फाउंडेशन है. ठीक है, उन दोनों के बीच में हम एक जो है कंपोनेंट, जो इंटरफेस जो है जिसको हम एड ऑन करते हैं, दैट इज नोन एज योर बियरिंग. फंक्शंस ऑफ बियरिंग, बियरिंग के हमारे क्या फंक्शंस हैं? हमारे बियरिंग का फंक्शन होता है लोड ट्रांसमिशन. जो भी आपके ब्रिज पे लोड मूव कर रहा है, चाहे वो आपके वॉकवेज बनाए हुए हैं, चाहे वो आपका ट्रैफिक को वहां से पास करने के लिए जो आपका ब्रिज है वो अलाउ करता है, तो क्या रोल होता है बियरिंग का कि जितना भी लोड आपके ब्रिज के ऊपर आ रहा है उसको उन बियरिंग्स का, जो वो बियरिंग्स है वो इसको रेजिस्ट करती हैं और उसके बाद वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं इक्वली और उसको ले जाके सॉइल स्ट्रेटा में जो है वहां पे अपना लोड जो है ये पूरा वहां पर अपना एग्जर्ट कर देती हैं. ठीक है, परमिट रोटरी और रॉकिंग मूवमेंट कॉज्ड बाय डिफ्लेक्शन ऑफ सुपरस्ट्रक्चर. जब कॉन्टिन्यूस जब आपका वेट जो है कॉन्टिन्यूसली जो आपका स्ट्रक्चर पे पड़ता रहेगा तो उस पर डिफ्लेक्शन जो है वो क्रिएट हो जाती है. तो सुपरस्ट्रक्चर की जो आपके डिफ्लेक्शन है उनको ये ओवरकम करता है. ठीक है, अलाउ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर ड्यू टू एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. आपको पता है जो आपका कॉन्क्रीट होता है वो हॉट वेदर में एक्सपैंड करता है और कोल्ड वेदर में वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स क्रिएट होती है एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ कंक्रीट की वजह से. तो ये जो बियरिंग्स है ये उन फोर्सेस को भी जो है बियर करती है. ठीक है, रिस्ट्रिक्ट लेटरल मूवमेंट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर. जो भी आपका सुपरस्ट्रक्चर होता है उस पर जो भी मूवमेंट्स जो होती हैं उस वक्त लगती हैं, आपकी जो भी फोर्सेस लगती हैं उन सबको जो है ये रिस्ट्रिक्ट करता है, उन सबको ये कंट्रोल करता है. आपका जो ब्रिज है उसमें फिर कोई मतलब जो मूवमेंट्स होती है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक होती है. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फैक्टर्स कॉजिंग मूवमेंट इन द ब्रिज स्ट्रक्चर. क्या क्या रीजन होते हैं जिस वजह से आपका जो ब्रिज का जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट होती है? तो क्या होता है, एक होती है आपकी थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. जो हमने अभी बात की कि वेदर की वजह से अगर एक्सट्रीमली हॉट वेदर है तो एक्सपेंशन हो जाती है और अगर ज्यादा वो आपका कोल्ड वेदर है तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है. डिफॉर्मेशन अंडर लाइव लोड, आपके कॉन्टिन्यूटी में वहां से व्हीकल्स जो है वो मूव करेंगे, वो लाइव लोड जो है उसकी वजह से डिफॉर्मेशन जो है वो आ सकती है. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस, ट्रैक्टिव ब्रेकिंग. जैसे आपका जो व्हीकल मूव कर रहा है ऑल ऑफ अ सडन वहां पे ब्रेक लगाते हैं जब, तो ब्रेक्स लगाने की वजह से एक शॉक प्रोड्यूस होता है ब्रिज सरफेस के ऊपर, तो उस सरफेस को जो है तो उन शॉक्स को जो है रेजिस्ट करने के लिए भी हमें जो बियरिंग्स है हमें वो लगानी पड़ती है. जो आपके विंड लोड्स आते हैं उनको रेजिस्ट करने के लिए भी आप लगाते हो. ठीक है, फिर आता है आपका सेटलमेंट आपको ऑफ सपोर्ट. जो आपके सपोर्ट्स होते हैं ब्रिज के उनकी सेटलमेंट ना हो जाए इसलिए हम उनमें क्या करते हैं, बियरिंग्स प्रोवाइड करते हैं. सिस्मिक फोर्सेस, जो कि अगर आपके कोई अर्थक्वेक होता है, अगर अर्थक्वेक कोई अगर लोअर इंटेंसिटी का अर्थक्वेक अगर आता है तो उसकी वजह से जो फोर्सेज एक्ट करती हैं दैट आर नोन एज योर सिस्मिक फोर्सेज. फिर आते हैं क्रीप एंड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट. क्रीप ऑफ कंक्रीट, आपको पता है जब कॉन्टिन्यूटी में कोई लोड आपका कंक्रीट के ऊपर जो है काफी लंबे टाइम तक जब एक्ट करता रहता है तो कंक्रीट में आपके क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रीप ऑफ कंक्रीट. और दूसरी श्रिंकेज हो जाती है दैट इज नोन एज योर श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट. तो इन सबको जो है कंट्रोल करने के लिए जो आपकी जो बियरिंग्स है उनको प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, सिलेक्शन ऑफ बियरिंग. अब आप बियरिंग सिलेक्ट कैसे करते हो? सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स. नंबर वन, फंक्शनल रिक्वायरमेंट. जो आपने बियरिंग जहां पर यूज करनी है उस वाले जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फंक्शन क्या है उसका. एक्सपेक्टेड लाइफ कंपैटिबल विद लाइफ ऑफ ब्रिज. जब आपने ब्रिज डिजाइन किया तो आप एक स्पैन लेके चलते हो कि इतने टाइम तक तो ये ब्रिज जो है आपका सक्सेसफुली वर्क करेगा. ठीक है, तो हम वो चीज कंसिडर करके हम ये देख
लेते हैं कि हम उसकी कितनी लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसके बेसिस पे हम जो है अपनी ये भी सिलेक्ट करेंगे, इसकी ब्रिज की अपनी बियरिंग जो है इनको भी हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मेंटेनेंस एफर्ट शुड बी मिनिमम। ये हर जगह हमारा एक हमारा मेन मोटिव क्या होता है, हम ये चाहते हैं कि हमने अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर दी है तो उसकी मिनिमम हमारी जो मेंटेनेंस है हमारी वो उसकी मिनिमम हो, ठीक है। तो हम ऐसा ऐसी बियरिंग्स हम लगाएंगे जो हमारे को मेंटेनेंस है जो वो ना उसकी कम कम करनी पड़े, क्योंकि अगर मेंटेनेंस ज्यादा होगी ब्रिज की तो क्या होगा, आपको हर मतलब जब जैसी आपकी मेंटेनेंस का टाइम आएगा आपको पूरा ट्रैफिक सिस्टम है जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसको खाली रखने के लिए जो आसपास के व्हीकल्स हैं जो जिन एरियाज को वो एडजॉइन कर रहा है ज्वाइन कर रहे हैं जिन एरियाज को, वो सारा ट्रैफिक जो है और जो लोग जो है वो बहुत परेशान हो जाएंगे, ठीक है। कॉस्ट कितना, अवेलेबल फंड्स आपके पास हैं उसके बेसिस पे आप बियरिंग्स डिसाइड करते हो। हाइट क्या आपने बियरिंग की रखनी है, आपने जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस किस तरह से सबस्ट्रक्चर में जो है ट्रांसफर करनी है, सिस्मिक लोड्स के अंदर आप कैसा रिएक्शन कैसा चाहते हो, किस तरह से रिएक्ट करें जो आपकी बियरिंग्स हैं। इवन व्हेन बियरिंग हैज बीन सिलेक्टेड, जब आपकी बियरिंग सिलेक्ट भी हो चुकी है ना उसके बाद भी आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप जो चूज लार्ज कॉम्पोनेंट्स, आपको बड़े कॉम्पोनेंट्स चूज करने चाहिए, आपको हाईएस्ट ग्रेड मटेरियल का यूज करना चाहिए, क्योंकि इतने हैवी लोड जो है उनको रेजिस्ट करने के लिए जो ग्रेड ऑफ मटेरियल है वो अच्छा होना चाहिए, सुपीरियर होना चाहिए। इंसिस्ट अपॉन स्ट्रिक्टेस्ट टॉलरेंस पॉसिबल बिकॉज द ट्रबल इन बियरिंग्स कॉज मोर प्रॉब्लम फॉर द मेंटेनेंस इंजीनियर एंड द स्ट्रक्चर। तो सबसे ज्यादा कोशिश की जाती है कि जो उसके मतलब कि जो उसमें इश्यूज हैं वो ज्यादा ना आए और उसकी जो टॉलरेंस है जो वेट को टॉलरेट वो कर सके अपनी परमिसिबल लिमिट्स में, क्योंकि अगर बियरिंग्स में कोई प्रॉब्लम आता है इन फ्यूचर तो जो मेंटेनेंस इंजीनियर है उसको बहुत सारे जो है ड्रॉबैक्स हैं उसके जो उसको फेस करने पड़ते हैं, ठीक है।